दोस्तों आप सभी का स्वागत है आदिवीरा पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फटाफट देखने वाले हैं प्रतिशत के 10 प्रश्न और 10 टाइप के प्रश्न होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जहां आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे। तो ये है आपके सामने पहला प्रश्न। तो देखिए हम सरल से इजी टू हम पहले मॉडरेट जाएंगे, फिर हम हाई प्रश्न टफ प्रश्न पर जाएंगे। तो देखिए ऐसा हमारा समझिए सारे प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं उसी प्रकार के प्रश्न हैं। तो पहले बढ़ेंगे हम बेसिक अप्रोच से और ट्रिक भी देखेंगे। तो एक प्रश्न में दिया है, पहला प्रश्न में कि एक्स का एक्स प्रतिशत 25 दिया है तो एक्स की वैल्यू क्या है। कई बार ऐसे प्रश्न नंबर चेंज हो सकता है, कई पेपर में पूछे गए हैं। तो हम बेसिक देखेंगे, पहले एक्स का मतलब होता है गुणा, तो एक्स प्रतिशत कितना है 25 है। एक्स का एक्स प्रतिशत 25 है, और जब हम 100 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर दोनों का गुणा होगा, और ये हो जाएगा 25 और अंडर रूट इसके ऊपर लगा देंगे, ये इसके ऊपर जाएगा, और ये सभी को पता किसकी वैल्यू होती है 50 की। तो यहां उत्तर आ गया कितना 50, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। बाकी आपके पास चार ऑप्शन होते तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे 50 होता, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं 50 × 50 = 25। ठीक, ये पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 छात्रों की कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है, 40% है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। सभी को पता होगा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 50 अपने आप में 100% है, जिसमें से 40% लड़के हैं तो 60% क्या होंगी लड़कियां होंगी। तो हमें सीधे सीधा 50 का 60% निकाल देना है। प्रतिशत मतलब होता है बटा 100, प्रतिशत मतलब होता है बटा 100, इसका मतलब होता है 100 पर 1, तो 1 कट गए 1 कट गए, 5 × 6 = 30, इसका हमारा उत्तर आ जाएगा क्या 30। तो लड़की कितनी हो जाएगी 30। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखते हैं अगला प्रतिशत, एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी दे रखी है 40,000 रुपए है, जिसमें से उसका 10% जो है, यहां पर शेष नहीं आएगा, 40% का जो है 10% परिवहन पर खर्च कर देता है, 10% परिवहन पर खर्च कर रहा है, और शेष का, ध्यान देने वाली बात है शेष का मतलब, अब आप 40,000 पर 20 काउंट नहीं कर 90 पर काउंट करेंगे क्योंकि 10% परिवहन पर खर्च कर चुका है। तो शेष का 20% भोजन पर और शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत हमें बतानी है कितनी होगी। तो इसको हम देखेंगे, पहले हम बात देखेंगे इसकी जो है मासिक इनकम कितनी है 40,000 रुपए है, इसका 10% खर्च करता है, मतलब उसने हमें क्या बताना है बचत। तो बचत क्या होगी, जो खर्च के अलावा जो चीज बचेगी वो होगी इसकी बचत, तो 90% उसने बचाया होगा, प्रतिशत है तो गुणा 100 कर देंगे। फिर शेष का 80% मतलब 100 में से 80 उसने खर्च कर दिया तो कितना बचाया उसने 20 बचाया, बटा 100 कर देंगे, और फिर शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च कर दिया तो 100 में से 40 खर्च कर दिया तो कितना बचा उसके पास 60 बचा, तो बटा 60। अब इसको हम कट कर देंगे, ये कट कर दिया, दो यहां से दो यहां से दो यहां से दो यहां से, इसका आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 48 = 24, और ये आपके पास फाइनल आंसर जो भी आया आपके पास आ जाएगा 70,280 रुपए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात है यहां से प्रोसेस समझने की शेष वाले प्रश्न में, एक होता है डायरेक्ट, यदि यहां शेष नहीं दिया होता तो सीधा हम 20% निकाल देते 40% निकाल देते, लेकिन हमारे पास यहां शेष बताया हुआ है तो शेष हम इस तरह से काउंट करेंगे। आई थिंक आपको थर्ड टाइप समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, कुछ प्रश्न सरल लगेंगे कुछ इजी रहेंगे। अगला प्रश्न है, एक छात्र है स्टूडेंट था, उसको 33% अंक पास होने के लिए चाहिए थे, मतलब जो नंबर थे कुल पूर्णांक उसमें से उसको 33% चाहिए थे, लेकिन उसको मिले कितने 33% मिले, और वह 9 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। तो हमें बताना है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे या पूर्णांक कितने थे। तो देखिए इसके लिए किस तरह निकालेंगे, उसको कितने प्रतिशत चाहिए थे 33% पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन मिले किसने कितने उसके लिए, मान के चलते हैं पूर्णांक जो है अधिकतम अंक कितने हैं x है, तो x का 33% उसको चाहिए था लेकिन मिले उसके लिए कितने x का 30%, और कितने कम रह गए 9 अंकों से फेल। यदि 9 और मिलते तो ये 30 जो 3% का गैप है वो कवर हो जाता, तो यहां मिले उसके लिए 9 अंक कम। इसको जब आप सोल्व करेंगे एक्स लेकर तो इसका आंसर आ जाएगा, यदि हम एक्स को यहां हटा दें और एक्स को यहां हटा दें तो 33 में से 3% बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 9, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 300।
तो यहाँ पर पूर्णांक कितने हो जाएंगे 300, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर ई आ गया। यहाँ पर एक्स ना भी लिखें तो चल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं कि 3 मार्क्स की अंतर आ रहा है जो कि कितने की वैल्यू बराबर है 9 के, तो एक 3 के और 100 300 की। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वह जो संख्या है वही प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या है हमें बताना है कौन सी है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम ऑप्शन से हल करेंगे, आपको समझना है एग्जाम टाइम में कौन से प्रश्न हमें ऑप्शन से करना है, कौन सा हमें डिटेल करना है, इसकी एक्स मेथड भी बताएंगे और डायरेक्ट ऑप्शन से करना बताएंगे। तो किसी संख्या के 60%, माना कि हमने वह संख्या हमेशा एक्स मानते हैं मैथ में, वह संख्या एक्स है, तो एक्स के 60% में क्या जोड़ा, 32 जोड़ा, तो जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती, कौन सी, जो हमने मानी x, तो बराबर में हमें x प्राप्त हो जाता है जो संख्या हमने मानी है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जब x का 60% है तो 60x/100 प्लस 32 बराबर x, फिर x को आप इधर उठा के ले आएंगे माइनस में 32 उधर चला जाएगा, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर फाइनल आ जाएगा 4-5 स्टेप में। लेकिन इसको हम करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर पहला उठाएंगे जैसे 8, मनी वन करना है, 8 6 दिखा आपको कितना होता है 80 का, यहां इसको हम रफ करते हैं, यहां आपको पहला ऑप्शन देखा 80 का 60% कितना होता है 48 दिख रहा है, 200 कट जाएंगे, 48 प्लस 32 इसमें जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 8 2 10 4 3 7 और यहां से लाई आई थी तो 8, तो आपको यही उत्तर मिलेगा 80 का 8% जोड़ने पर। ये देखिए 6 6 36 और प्लस 32, तो 36 प्लस 32 आपके 60 नहीं होंगे, तो बाय ऑप्शन से आप इसको चेक कर सकते हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 80। तो इन प्रश्नों को हम बाय ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यदि यहां पर वृद्धि हो रही है दोनों जगह तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, और यदि ऋणात्मक हो रहा है तो हम नेगेटिव साइन का भी यूज करेंगे, दोनों साइन लेंगे। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 × 30 × 20 × 10/100, तो 30 यहां से कट जाएंगे √2 बराबर में उत्तर कितना आ जाएगा 32% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, तो इसका उत्तर हमारा ये हो जाएगा। यदि हम मान के चलो यहां पर कमी हो रही होती, इसी प्रश्न में हम एक टाइप और देख लेंगे कि यहां 10% मान को चौड़ाई में कमी की जा रही होती, तो यहां पर फिर हम ऋणात्मक चिन्ह का यूज कर देते, यहां पर प्लस माइनस हो जाता है, ये माइनस बी, तो यहां पर कमी आ जाती। अगला प्रश्न दिया है बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, पहले यहां पर हम लिख लेंगे तीनों को, ए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तथा सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तीनों की मिलाकर मासिक आय 3000 रुपए है, तो बी की मासिक आय हमें बताना है। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो 25% की वैल्यू सभी को पता होगी कितनी होती है, 25% जो होता है 1/4 होता है, मतलब ए की आय से, मतलब ए की आय मान के चलते 4 1% अधिक है, तो अधिक है तो 4 से 5 हो जाएगा, यदि कम होती तो 4 से 3 हो जाती, अधिक है तो 4 से 5 हो गई। और बी की आय और जो सी की आय है, किसकी आय, सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, 20% की सभी को पता होगी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, 1/5 होती है, 5 से अधिक है तो 5 से कितनी हो जाएगी 6, कम होती तो कितनी हो जाती 5 से 4, तो तीनों का रेशो हमें मिल गया 4:5:6। और क्या कहा, तीनों की मासिक आय, ये हमें क्या कर दिया, इनकम का रेशो दिया हुआ है 3000 रुपए है, तो दिख रहे होंगे 6 और 5 11 और 4 15, 15 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहां पर प्रश्न में 3000 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 रुपए, और हमसे पूछा क्या है किसकी है, बी की मासिक आय, बी की मासिक कितनी दी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 रुपए, ये हमारा उत्तर आ गया, दैट इज आंसर, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा ये इसकी आय इस तरह से आ गई है उत्तर।
यहां से 15 आपको समझ में आ गया, 15 तीनों की वैल्यू कितनी रखी, 3000, एक की वैल्यू 200 रुपये और 5 जो बी की वैल्यू पूछी थी तो हमने 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1000 रुपये। आई थिंक यहां तक अब दिख रहा होगा आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है ए की आय बी की आय से, बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय जो बी की आय से कितना है, पहले देखेंगे ए और बी, इससे अधिक है बी से अधिक है कितना, 40% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 140। अब प्रश्न में क्या पूछा है, बी की जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है दिख रहा है, ए की आय से 40% कम है, और किससे, ए की आय से, जो से है तुलना करी जा रही है वो नीचे आएगा, तो नीचे क्या आएगा 140 इंटू कर देंगे 100, यहां से ये कट जाएगा 400/14, इसको और तोड़ेंगे तो 200/7 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको और तोड़ना चाहें तो आप और भी तोड़ सकते हैं, इसको आगे 7×7=14 और 7×28 और बचेंगे अपने यहां पर 4, तो 28 सही 4/7% और आ जाएगा, जो वो भी आपको ऑप्शन में या ये रहेगा या फिर ये रहेगा, तो इन दोनों में से कोई भी देख लीजिएगा, आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, आलू के जो दाम है उनमें क्या हो गया, 30% की वृद्धि हो गई, तो हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि जो हमारा पहले खर्चा आ रहा था व्यय वो अपरिवर्तित रहे, उतना का उतना ही बना रहे। माना कि चलो आलू जो थे 100 रुपए के थे, इसमें 30% की वृद्धि हो गई, तो कितने के हो गए, 30% हो गए 130 की, 30% की वृद्धि के साथ। अब हमें कमी करनी है, तो हमें कमी जो है बड़े हुए मूल पर करनी होगी, ये बड़ा हुआ मूल है, ये पहले वाला मूल है, तो कमी कितने की करेंगे इस पर लाने के लिए, 30 की कमी करनी पड़ेगी, और किस पर, 130 पर, और इंटू 100। इसको जो भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 300/13, आपका आंसर आ जाएगा, कितने प्रतिशत की आपको कमी करनी होगी तभी आपका मूल अपरिवर्तित रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो भी कमी होगी इस पर होगी वो कितने व्यय अपरिवर्तित हमें इस पर लानी है, तो इसमें से हमें घटा देंगे तो 30 की कमी करनी होगी, किस पर, 130 पर। अगला और अंतिम प्रश्न है कि 12 मिनट आपको कन्वर्जन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो सभी को पता होगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 मिनट 1 घंटे का, हमेशा याद रखिए जहां भी का आएगा वो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमेशा ये नीचे जाएगा, तो आपको ये इतना याद रख लेना, गुड़ जगह 100 हम यहां करते और 60, ये क्या है 12 मिनट, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, और का जहां भी दिख जाए 1 घंटे का इसका, तो ये का हमेशा बटे में जाता है, 100 से गुणा नहीं होता है, तो 12/12 = 12, 12×5=60, 5×5=5, 5×20, तो ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 20%, 12 मिनट 1 घंटे का। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसमें तो कुछ हमने इजी से मॉडरेट प्रश्न लिए हैं, अगली बार हम मॉडरेट टू टफ प्रश्न लेंगे, 10 टाइप है, 10 मिनट में खत्म करें, अलग डाटा के प्रश्न है, ऐसे ही हर चैप्टर के प्रश्न, यदि आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो आगे वीडियो को कंटिन्यू मिलेंगे, और भी टाइप इसमें है, लगभग 30-40 टाइप में आपका पूरा परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो जाता है, या हमने यहाँ पर 10 टाइप लिए हैं, ऐसे ही हम 30-40 टाइप के हर चैप्टर के प्रश्न करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा हर टाइप के प्रश्न हम पढ़ते जाएं उसमें, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।